लेकिन जो हमने आज दो दिन से जो विशेष अभियान चलाया था वो ये था कि हमने पिछले साल अराई ब्लॉक मसूदा ब्लॉक और सिटी अजमेर सिटी इससे 1200 लोगों के सैंपल हमने जयपुर भेजे थे कि उसमें कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप हुई कि नहीं हुई तो उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे बताए उन्होंने जयपुर वालों ने जो वैक्सीन अपन ने लगवाए थे उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए उन्होंने रैंडम सैंपलिंग कराई थी बारह सैंपल हमने पिछले साल भेजे थे जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर थे हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे पुलिस वाले थे पेट्रोल पंप वाले थे या जो कार्मिक जिन्होंने कोरोना में ड्यूटी की थी उन लोगों के हमने जिले से 1200 सैंपल भेजे थे चार चार सौ दो ब्लॉक से और 400 सौ सिटी से तो अभी तीन दिन पहले एक बीसी में हमें निर्देश मिले थे कि आपको उन 1200 लोगों में से ही 200 सैंपल पुनः भेजने ताकि आज की स्टेटस पता लगे कि आज की डेट में आम जन में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का स्टेटस क्या है कितनी प्रतिशत उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है ताकि अगर कोई भयंकर फैलाव हो जाता कोरोना का जैसा कि विदेशों में हो रहा है चाइना की सुन रहे हैं उसी के लिए इंडिया गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि अपन स्थिति का आंकलन कर लें कि एक्चुअल में अपन किस स्टेज पे खड़े हैं इसलिए वो सीरो सैंपलिंग है तो 200 सैंपल हमने टारगेट था लेकिन 241 सैंपल हमने आज जयपुर माइक्रोबायोलॉजी लैब में जमा कराने बाई मैसेंजर भेज दिए शायद वो जमा हो चुके होंगे अब तक तो और भी जगह जगह सर्वे तो जैसे ऐसे मौसम बीमारियों का सर्वे एक रूटीन प्रक्रिया है जो एन आशा घर घर जाके करती है, है अभी जैसे पिछले आपको 12 तारीख से 25 तारीख तक 14 दिन का हमारा लेपरोसी का सर्वे भी चला था तो सर्वे कई प्रकार के जैसे जैसे राजस्थान गवर्नमेंट हमको दिशा निर्देश देती है तो उन सर्वों को तो हम अंजाम देते हैं हमारी मशीनरी द्वारा तो अगर कोई पाया जाता काई का? तो कोरोना को पाया जाता है कोरोना का कोई पाया जाता है तो उसका इलाज कराते हैं भाई अगर गंभीर है तो उसको जेल में भर्ती कराएंगे और गंभीर नहीं है तो फिर वो उसका घर पे ही जैसे पहले होम आइसोलेशन पे इलाज करते थे वैसा करेंगे